बचाने के तई बेगुनाहों के खून के धब्बे पड़े पड़े सूख के सड़कों पर, जिनका कभी केस नहीं बना और जिनका केस बना उन पायलों पर से कभी धूल उठी ही नहीं। आज अपनी बेटी का खून देखकर घुटने पर आ गए। तुम्हारे ही सताए हुए किसी एक ने मार डाला है उसे। लेकिन इसको क्यों मारा? पिंकी को क्यों मारा? अरे क्या बिगाड़ा था इसने किसी का? क्यों अहिंसा से अपना हक मांगने वाला सच ने सारे बाजार काट कर फेंक दिया गया? क्यों उसकी बीवी मालती तुम्हारे पुलिस स्टेशन में सर पटक पटक कर पागल हो गई और उसे इंसाफ नहीं मिला? क्यों एक बुजुर्ग को चौराहे में कुत्ता बनाया जाता है, उसका तमाशा बनाया जाता है और पुलिस मुंह फेर कर चली जाती है? क्यों तेजो परिवार अपनी जमीन के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए कभी किसी मिनिस्टर के सामने गिड़गिड़ाते हैं तो कभी कात्या के दरवाजे पर अपना माथा टेकते हैं तो कभी तुम्हारी जेबें गर्म करते हैं, फिर भी उनके घर में चूल्हे ठंडे पड़े हैं? क्यों ना जाने कितने ऐसे क्यों गरीबों के यहाँ से उठते हैं यहाँ से? क्यों जानते हो क्यों? क्योंकि कानून और इंसाफ ताकतवर के घर गुलाम बनकर बैठे हैं और जब तक ऐसा रहेगा खून यूं ही बहेगा। खून यूं ही इस खून के जिम्मेदार तुम हो। तुम जैसे गैर जिम्मेदार पुलिस वाले एक आम आदमी को घातक बनने पर मजबूर करते हैं। तुम्हारे पापों की कीमत चुकाई है तुम्हारी बेटी ने। ये देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गया?